क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 5% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 9,261, द पॉपुलेशन 3 ईयर्स एगो वॉज, 3 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी हमें ये बताना है, ठीक है। अब यहां पे देखो हम लोगों का जो फॉर्मूला है पी इक्वल टू पी नॉट 1 + R/100 टू द पावर टी। अब देखो यहां पे हम लोग क्या रखें, प्रेजेंट हमें ये बताया गया पहले की पूछी गई है, तो प्रेजेंट में हमें क्या रखना है, फाइनल क्या रखना है, इनिशियल क्या रखना है, समझ लेते हैं। देखो जो इनिशियल अगर इंक्रीसेस हो रहा है मतलब रेट क्या है, रेट क्या है, अगर इनिशियल की बात कर ली तो रेट क्या है +5, मतलब हमेशा इंक्रीज होगी, हमेशा इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज किस पे होती है, इनिशियल पे, इनिशियल पे इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या निकालना है, इनिशियल, इनिशियल पे इंक्रीज होने के बाद ही हो गई ना, 3 साल पहले तो क्या इससे कम रही होगी, देखो ऑप्शन में 3 साल, ऑब्वियसली बात है जब 5% बढ़ती गई हर साल पुरानी वाली से तो 9,621 हो गए, मतलब पहले कम रही होगी, पहले कम रही होगी, तो कम है और रेट ज्यादा है, अगर ये इनिशियल है और ये रेट ज्यादा है तो फाइनल आ जाएगी। इसका मतलब हम 3 साल पहले चले जाते हैं, हम लोग पास्ट में चले जाते हैं, हम पास्ट में चल के देखें तो हम लोग क्या बोलेंगे तब कि हमें प्रेजेंट नहीं पता है, हमें ये पता है कि 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी, 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, हमने बोला 3 साल बाद पॉपुलेशन ही होगी, प्रेजेंट में पॉपुलेशन क्या है क्योंकि हम 3 साल पहले चले गए, 1/ कितने से रेट, क्योंकि रेट को नेगेटिव नहीं कर सकते, रेट को नेगेटिव नहीं कर सकते, अगर रेट को हमने नेगेटिव कर दिया इसका मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या यहां से जितना इंक्रीमेंट होता है उतना ही डिक्रीमेंट होता है क्या, नहीं, हम डिक्रीमेंट से दूसरा फॉर्मूला लगेंगे, हम लोग यहां पे सीपीआर लगाएंगे अगर हम उस टाइप से करना है तो, इसके बाद देख लेते हैं वो भी। अब यहां से कितना हो जाएगा ये, इसे देखें तो हम लोग इसे बोल सकते हैं 1/3, ये पी नॉट भी है ठीक है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी यहां पे, बात समझ में आ गई, इसे यहां ले जाके पावर 1/3 कर दी, ये कितना आ जाएगा 1/20, मतलब 21/20 हो जाएगा ये, 21/20, और ये आ जाएगा 9,261/P0। अभी हमें देखना है किसका क्यूब रूट है, पी नॉट की दिक्कत नहीं है, हम आखिरी में पी नॉट निकाल लेंगे, अगर 1/3 आए तो क्यूब कर देंगे आंसर में, बात समझ में आ गई, क्लियर। अब 9,261 की बात करें, 3 से कैंसिल होगा, 9 + 1 = 10 = 12 = 18, हाँ होगा, डिविजिबिलिटी लगाया हमने, 30 कितना हो जाएगा, 3087 है ना, फिर लगाया तो 1029, फिर लगाया तो 343। अब 343 किसका क्यूब है, 7 का दिख रहा है हमें, है ना, 7 का, ये चीज़ तो पता ही है हमें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 × 7, 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 7, और ये आ जाएगा पी नॉट का क्यूब, पी नॉट टू द पावर 1/3 क्यूब रूट, और ये आ जाएगा 21/20। अब ये देखो ये क्या है, 21 कैंसल, तो पी नॉट टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 20, क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 1, 2, 3, 3 0 हो जाएंगे, 8,000 पॉपुलेशन हो जाएगी, बात समझ में आ गई, बात क्लियर है। ये हम कहाँ से चले, हम लोग पहले से चले हैं, हम लोग पहले से चले हैं। दूसरा तरीका क्या, x से मान लो पहले x थी, इंक्रीमेंट हो रहा है तो 105/100 हो जाएगी, फिर 105/100 हो जाएगी ये, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 105/100 इज इक्वल टू कितना, 9,261, यही तो हो रहा है x इंटू ये कितना आ जाएगा 21/20, ये देखो ना 21/20 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 21/20, यहाँ भी 21/20 हो जाएगा और यहाँ भी 21/20 इक्वल टू 9,261। अब यहाँ पे क्यूब रूट आ रहा था 9,261 का, यहाँ पे क्यूब आ गया हमारा इस चीज़ का, है ना, ये क्या लिख सकते हैं, 3 × 7 का क्यूब लिख सकते हैं इसे, और इसे 20 का क्यूब लिख सकते हैं इज इक्वल टू 9,261। ये चीज़ तो की है हमने, यहाँ क्यूब रूट लगा दिया था बस, ये कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू 20 का क्यूब, तो x इक्वल टू 8,000 रुपीज। हमने ये चीज़ कहाँ पे बैठ के देखी, हमने 3 साल पहले चले गए, हम लोग 3 साल पहले चले गए और उसको हमने क्या मान लिया, इनिशियल, कि अभी प्रेजेंट में इतनी है तो 3 साल बाद इतनी हो जाएगी क्योंकि रेट इंक्रीमेंट हो रहा है, रेट का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है।
अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है 5% से, कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है 5% से, तो हो कितना रहा है देख लेते हैं। ये चीज समझ में आ गई यहां से, वो वाली मेथड भी देख लेते हैं, क्योंकि जितना इंक्रीमेंट होता है जरूरी नहीं है उतना ही डिक्रीमेंट हो, है ना। सीपीआर में हमने पढ़ के रखा है, अब देखो 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है, हमने पढ़ा था एक्स अपॉन वाई अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो डिक्रीमेंट कितना होगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, इतने का डिक्रीमेंट होगा। मतलब अगर 1/5 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो डिक्रीमेंट कितने का होगा, x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू 5, तो 1/1+5 इतने का क्या हो जाएगा डिक्रीमेंट, कितना हो जाएगा इतने का डिक्रीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, मतलब कितना हो जाएगा ये 1/6 है ना, 5% मतलब 1/20, सॉरी ये 1/20 हो जाएगा, 5% मतलब 1/20, तो ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू 1 और ये 20+1 21, तो 1/21 कम होगा, 1/21 कम होगा हर बार, हर बार कितना होगा 1/21 कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई, x से हर बार 1/21 कम होगा तो हो कितना जाएगा 20/21 कम होगा ना, ये क्या है कम होगा, तो हो कितना जाएगा 20/21 हो जाएगा। अब हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, ये 20/21 और ये 20/21, अब यहां पे हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9261 का, क्योंकि अब हमने इनिशियल इसे मान लिया है और इसका हर बार कम करते जाएंगे, कितना 20/21 कम करेंगे, फिर 20/21 कम करेंगे, फिर 20/21 कम करेंगे, तो यहां से भी आंसर आ जाएगा 21 का क्यूब कितना है, ये इक्वल टू में क्या है यहां पे x, 21 कैंसिल हो जाएगा इससे मल्टीप्लीकेशन में, तो तीनों क्यूब, तो 20 का क्यूब बराबर x, x बराबर 8000। बहुत सारी मेथड है क्वेश्चन को करने की, अलग अलग टाइप की मेथड है, यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हमें सिर्फ ये चीज समझनी है कि हमें इनिशियल किसे लेना, फाइनल। हमें यहां पे देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है और हमसे 3 साल पहले की पूछी गई है, तो हम 3 साल पहले चले जाएंगे और 3 साल पहले को हमने इनिशियल मान लेना है, तो हर बार वहां से 5% का इंक्रीमेंट होगा, इनिशियल में 5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो बाद में 3 साल बाद 9261 हो जाएगी वैल्यू। हमें हर बार इंक्रीमेंट में चलना है, किसमें चलना है, इंक्रीमेंट में चलना है। अगर ये डिक्रीमेंट होता तो उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को करते, ये यहां से करना नहीं है, यहां से कर सकते हैं अगर करना हो तो, लेकिन यहां से हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों के पास, यहां से टाइम वगैरह की दिक्कत आएगी निकालने में, इसलिए हम लोग इसे प्रीफर नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि यहां से भी हम निकाल सकते हैं आंसर। बात क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 8000। क्वेश्चन नंबर 5th, द प्राइस ऑफ अ मोटरसाइकिल डिप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 8% इफ द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 2 ईयर्स विल बी 84,640, देन व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल। पुरानी वैल्यू हमें बतानी क्या होगी, ठीक है, क्या हो रहा है देखो, ये पुरानी वैल्यू है ना, और बाद में कितनी हो रही है 84,640। अगर टाइम वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे, टाइम नहीं पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ टाइम गिवन है, पूछा नहीं गया है, अगर पूछा जाता तो हम किसी और तरीके से करते, लेकिन यहाँ पे टाइम हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है, 2 साल की बात की गई है। अब देखो, अब चाहे हमारे पास डिप्रिसिएशन हो रहा हो या ग्रोथ हो रही हो, इस साइड इनिशियल लिखेंगे हम लोग और इस साइड लिखेंगे फाइनल, अगर ऐसे करते हैं तो, और मेरे ख्याल से तरीका यही सही है क्योंकि यहां से हमें जल्दी से आंसर मिल जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला भी यूज करेंगे, फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज निकल के आएगी वहां से। क्या बोला गया है, 8% से कमी हो रही है, मतलब हो कितना आ रहा है 90/2। अगर ग्रोथ की बात होती 8% इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या कर देते यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्या कर देते 108/100, यहाँ भी 108/100 कर देते, अभी क्या है 92/100, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 84,640 के बराबर है। अभी ये कैंसिल होगा क्या किससे, ये कैंसिल होगा क्या 46 से कैंसिल हो पाएगा क्या, पहले 4 से करके देख लेते हैं, है ना, 423, ये 8 से हो पाएगा, हाँ बिल्कुल, तो 4 कितना 23 डिवाइडेड बाय 100, इसे एस इट इज रखा और यहाँ किससे डिवाइड किया, यहाँ से 4 निकाला, यहाँ से 4 है ना, तो यहाँ 16 से डिविजिबल करना है 84640 को, 16 से 16 5 80
बचा कितना 46, 2 ज़ा 32, बचा कितना 44, 2 ज़ा 32, 120, कितना बचा 120, है ना। 16, 5 ज़ा 80, बचा कितना 46, 2 ज़ा 32, 1 कितना बचेगा 14 बचेगा, तो 144 हो जाएगा ये, 9 टाइम्स 5290 हो जाएगा, 5290। अब 23 का स्क्वायर 529 होता है, 23 का स्क्वायर क्या होगा 529, बचेगा 10, तो ये कितना बचेगा 100001, कितना बचेगा 1,00,000 रुपये, है ना। 23 का स्क्वायर है ना 529, कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपये, मतलब पहले उसकी कीमत कितनी होगी 1,00,000 रुपये, इनिशियली उसकी कीमत होगी 1,00,000 रुपये, अब यहाँ पे कम हो रहा है बाद में हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा आंसर क्या आएगा करेक्ट आएगा। यहाँ से इस साइड लिखना है इनिशियल, जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है कि डिप्रिसिएशन हो रहा है वो, और यहाँ पे इक्वल होने के बाद कितना हो रहा है, क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 6, द पॉपुलेशन ऑफ पटना सिटी इज 96,000, द डिक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन इज 800 पर ईयर, पॉपुलेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज 68,000, द इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन इज 1200 पर ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द पॉपुलेशन ऑफ बोथ प्लेसेस बी इक्वल, कितने साल बाद दोनों की पॉपुलेशन बराबर हो जाएगी हमसे पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे रेट हमें गिवन नहीं है, क्या नहीं गिवन है, रेट नहीं गिवन है, कैसे करना है ये तो और अच्छी बात है, रेट नहीं गिवन है ये बहुत आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हम लोग अगर एक चीज समझें, ये चीज हमेशा हमें काम आने वाली है, चाहे वो परसेंटेज में हो, अगर हमें रेट या फिर ग्रोथ या किसी भी टाइम में परसेंटेज में नहीं गिवन है तो कैसे करना है। देखो यहाँ पे होता है ये एक वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें हम लोग तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या टाइम की बात करेंगे, टाइम हम टी में ले लेते हैं, और यहाँ हम बात करेंगे पॉपुलेशन की, ठीक है। अभी हम बस समझ रहे हैं, बाकी आंसर तो बहुत जल्दी आ जाएगा हम लोगों का, ठीक है, पॉपुलेशन की बात करें, ठीक। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक पटना के लिए क्या रहेगी पॉपुलेशन, अगर हम देखें इक्वेशन तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये c क्या है y इंटरसेप्ट, c क्या है y बे इंटरसेप्ट, मतलब इनिशियल वैल्यू मान सकते हैं, और ये क्या है हमारी फाइनल वैल्यू, इसे हम बोल सकते हैं फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू रेट या फिर स्लोप, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप, इनटू ये एक्स क्या है टाइम, प्लस इनिशियल वैल्यू, प्लस इनिशियल वैल्यू, इनिशियली वैल्यू कितनी थी यही तो है फाइनल वैल्यू, क्या है वाई। अब देखो इनिशियल वैल्यू अगर पटना की बात करें तो यहां पे है पटना और यह है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है, और यह है पटना यहां पे। अब बोला गया है कि रेट इंक्रीज स्लोप, अगर डिक्रीज रेट बोला गया तो डिक्रीज होगा, तो यह हमने रेट डिक्रीज कर दिया, यह स्लोप है। पाटलिपुत्र के लिए इंक्रीज बोला गया है। अब ये जो दोनों जहां पे मिलेंगे वो हमें क्या बताना है, टाइम बताना है, टाइम बताना है वो वाला, और यहां पे क्या है पॉपुलेशन। अब देखो ये चीज क्या है यहां पे, ये है हमारी C1 और इसे हम बोल देंगे C2, मतलब ये इंटरसेप्ट है, ये जो पटना के लिए है ये C1, मतलब पहले पॉपुलेशन बाद में C2, बाद में क्या हो जाएगी C2, क्या है हम लोगों के लिए पाटलिपुत्र के लिए, है ना, बात समझ में आ गई। और ये क्या है वाई फाइनल वैल्यू, अब दोनों की फाइनल वैल्यू या फाइनल पॉपुलेशन तो बराबर होने वाली है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां से दोनों की जो फाइनल वैल्यू बराबर होगी मतलब y बराबर होगा, जब y बराबर होगा तो m1x1 plus c1 is equal to m2x2 plus c2 हो जाएगा, ठीक है। अब c1 और c2 हमें पता है कि इनिशियल उनकी पॉपुलेशन कितनी थी, रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन कितनी थी, कितने रेट से कम ज्यादा हो रहा है, अगर रेट डिक्रीजिंग हो रहा है स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो यहां नेगेटिव रखेंगे, मतलब नेगेटिव ऑफ 800, यहां पे पाटलिपुत्र के केस में पॉजिटिव हो रहा है इंक्रीज हो रहा है रेट, यहां रेट डिक्रीज हो रहा है स्लोप नेगेटिव, यहां रेट इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप पॉजिटिव। इंटू एक्स मतलब कितने टाइम में, टाइम तो बराबर इस सेम टाइम के बाद ना, यहाँ बराबर होगा सेम टाइम के लिए। पाटलिपुत्र ने भी क्या किया, यहाँ पे मान लो शुरू में जीरो ईयर्स थे, शुरू से बात करें तो जीरो ईयर्स थे, अब यहाँ से बढ़ते गए बढ़ते टी टाइम के बाद ये क्या हुआ, दोनों ने
टी टाइम के लिए पटना डिक्रीज हुआ, टी टाइम के लिए पाटलिपुत्र इंक्रीज हुआ, तो दोनों मिल जाएंगे। कुल मिला के इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, अगर ये पटना के लिए देख लें, अगर पटना के लिए क्या देख लें, सी वन देख लेते हैं और पाटलिपुत्र के लिए टू देख लेते हैं, है ना, सी टू एक्स टू एम टू। अब स्लोप क्या है, पाटलिपुत्र की बात करें तो स्लोप क्या है, माइनस का 800 डिक्रीज हो रहा है इंटू एक्स वन। अब एक्स वन क्या है, यहां पे एक्स वन क्या है, टाइम है, कितने टाइम के बाद बराबर हो रही है, मतलब कितने टाइम के लिए चला, प्लस सी वन, सी वन कितना है, सी वन कितना है यहां पे 96,000। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, देखो इसका 1200, एक्स क्या है टाइम, प्लस कितना हो जाएगा ये 68,000। बात समझ में आ गई, यही हो रहा है, दो जीरो से दो जीरो कैंसल, ये 8t और ये 12t, इधर आके कितना हो जाएगा ये 20t, और ये कितना हो जाएगा 960 माइनस 680 280, तो ये जीरो से जीरो कैंसल, ये आ जाएगा 14 ईयर्स, कितना आ जाएगा आंसर 14 ईयर्स। बात समझ में आ गई, हमारे मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी थी, y1 बराबर y2 या पॉपुलेशन फाइनल बराबर होगी, पॉपुलेशन फाइनल बराबर होगी m1x1 प्लस c1 mx प्लस c लगाना है दोनों साइड, अगर इस टाइप का केस आता है तो, क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000, इफ द मेल इंक्रीजेस बाय 5% एंड द फीमेल बाय 6%, द पॉपुलेशन विल बी 10,500, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, कितनी फीमेल्स है हमें ये बताना है। क्या यहाँ पे हम इक्वेशन बना सकते हैं क्या, मेल को मान लो ये जो 5% है, ये क्या है 5% है, अब 5% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1/20, इसका मतलब क्या है, अगर पहले 20 थे मेल तो बाद में 21 हो गए, पहले मेल अगर 21 थे तो बाद में, पहले 20 थे तो बाद में 21 हो गए, ये M2 और ये M1। फीमेल की बात करें तो 6%, 6% मतलब कितना 3/50, इंक्रीज होने की बात की गई है, कितना हो जाएगा 53/50, ठीक है, ये फीमेल है और ये फीमेल पहले है, बात समझ में आ गई, ये फीमेल आ गई। अब अगर हम क्या देखें, अगर हम यहां से इक्वेशन देखें तो क्या बनेगी हमारे पास, कि पहले मेल है ना, पहले मेल कितने थे 20m प्लस 50f बराबर कितने थे 10,000, है ना, और बाद में बात करें अगर हम तो 21, ये रेशो है ना, ये रेशो है मेल का रेशो, हो सकता है यहाँ पे x अपॉन x कर दे, यहाँ पे y अपॉन y कर दे, एक ही बात है ना, तो मेल प्लस फीमेल ऐसा कर दिया हमने, x लिख ले y लिख ले, तो हमने मेल और फीमेल कर लिया, ये रेशो है, जैसे पिछले पहले हमने क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे हमने क्या इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन के अलावा एक तरीका और देखा था हमने, वो भी करेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये, फीमेल की बात करें बाद में तो 53f कितना हो जाएगा ये 10,540। अब क्या करें, अब क्या करें, देखो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो इसमें किसका मल्टीप्लाई, पहले से इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 1000 बचेगा, 2 मेल प्लस 5 फीमेल किसके बराबर होगा 10,000 के बराबर होगा, बात समझ में आ गई। अगर यहां से हमें लेंथी पड़ रहा है, क्या हो रहा है लेंदी, देखो कितना लेंदी हो रहा है, यहां पे किसका मल्टीप्लाई करें हम लोग, 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हम 21 का मल्टीप्लाई कर दें और यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दें तब जाके आंसर मिलेगा, ये हो जाएगा 42 मेल प्लस ये 105 फीमेल इज इक्वल टू 21,000, यहां 2 का मल्टीप्लाई करें तो 42 मेल प्लस 106 फीमेल इज इक्वल टू 21,000 हो जाएगा ये 21,080। अब डिफरेंस ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इसमें से इसे माइनस करें, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस एफ हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एफ और ये माइनस 80, तो फीमेल कितनी हो जाएगी 80, ये एफ की वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, एफ की वैल्यू आई है, बात समझ में आ गई, ये एम है, ये एम है, ये एफ है, ये एफ है ना, ये तो लिखा ना हमने 20m प्लस 50f, ये तो लिखा है 21m प्लस 53f, ये तो लिखा, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 80। अब हमसे बोला क्या गया है, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, पहले कितनी फीमेल्स थी, तो 50f
कितनी थी 50f, मतलब 50 इंटू कितना हो जाएगा 80, ये आ जाएगी 4000, कितनी आ जाएगी 4000 फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी आएगी 4000। इक्वेशन हमने यहां से लिखी और हमने आंसर निकाल लिया। जो तरीका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला देखा था वहां से भी करके देख सकते हैं। अब देखो वहां से कैसे करेंगे हम लोग, यहां मेल, यहां फीमेल और यहां टोटल, बात समझ में आ गई। अब मेल कितने से इंक्रीज हो गया, 5/6 से, है ना, 5/5% मतलब 1/20, मतलब पहले 20 था तो बाद में 21 हो गया, ठीक है। मेल पहले कितने थे, 20 थे, बाद में 21 हो गए। ये एक्स वाली लाइन है, ये वाई वाली लाइन है और ये सी वाली कांस्टेंट वाली लाइन है, क्लियर है। हम ऐसे देखेंगे, ये इक्वेशन बनाई थी ना हमने, देखेंगे अभी इक्वेशन। 6% इंक्रीज हुआ है, फिर 6% इंक्रीज हुआ है मतलब कितना, 1/3/50, तो हुआ कितना है, हुआ कितना है 53/50, मतलब पहले अगर वुमेन 50 थी तो बाद में 53 हो गई। और टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे, जो हमने सेविंग वाले क्वेश्चंस किए थे उन्हीं के जैसा है, ये उन्हीं के जैसा है, क्योंकि सैलरी प्लस एक्सपेंडिचर बराबर ये था, मेल प्लस फीमेल बराबर ये इक्वेशन बननी चाहिए बस, 10,540, क्लियर है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 53 × 2 कितना हो जाएगा, 1060, और 21 × 5 1050, तो 1050 हो जाएगा ये इस वैल्यू की। अब फीमेल की बात करें, अगर फीमेल की बात की गई है, देख लेते हैं, चलो मेल से निकाल लेते हैं फिर फीमेल से, अगर फीमेल की बात कर लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ऊपर वाली वैल्यू निकालते हैं, ये 20 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इस टाइप से सॉल्व करने पे, जो ऊपर हमने वैल्यू लिखी है उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ यूनिट आती है, डिफरेंस तो ये आएगा लेकिन यहाँ अलग हो जाता ना डिफरेंस, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये 21, ये 21,000 हो जाएगा, 21 है ना, 1, 2, 3, 4 माइनस 20 लगा दी हमने, 1054 × 2 20 कितना हो जाएगा, 2108 हो जाएगा ये, 1050 मतलब 1110 8, ठीक है 2108। अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे, पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाले को माइनस करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को, तो इसे 8 बना लो और इसे 0 बना लो, सिर्फ डिफरेंस लेना है हमें, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी, 800, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 80। जब एक यूनिट की वैल्यू 80 है तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू, अगर फाइनल पूछता तो इससे मल्टीप्लाई करते, इनिशियल पूछेगा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फीमेल की बात की गई तो फीमेल ऊपर रखा हमने, क्लियर। तो कितना हो जाएगा 50 × 8 4000, बात समझ में आ गई, कितना आ जाएगा आंसर, 4000।